हाय दोस्तों, ब्रॉड टायर के लिए स्विंग आर्म बनाने के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं वीडियो देखने के बाद कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो आगे बढ़ा बढ़ा के ना देखे, मैं जरूरत की जो जानकारी होती है वो सब बताता हूँ। अब कुछ चीज छूट जाए तो ठीक है, आप कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए या मुझे फोन कर लीजिए, लेकिन वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, मैंने पहले ही बताया, कुछ ना कुछ तो जब से छूटेगा और गलती होगी। फिर आप कहते हैं मैंने नहीं बताया, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए। कुछ सवाल आए थे, पहले उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे किसी ने कल कहा कि मैंने ये नहीं बताया कि ये डिस्टेंस कैसे बना, ये रॉड कैसे बनी, तो दोस्तों मैंने ये बताया है, फिर से देखिए। फिर बता देता हूँ कि ये डिस्टेंस जो होता है इसको गजल पिन बोलते हैं। तो ये आपके साइज के हिसाब से अगर मिल जाए आपको गजल पिन, जैसा मुझे मिल गई थी कि मेरी जो रॉड थी, जैसा कि जो पहले एक्सल रॉड होती है, जो पुरानी वाली होगी आपके, इसमें उसका आप साइज दे दीजिए कुछ इस तरह से। उसके लिए विनियर लगता है, ये विनियर होता है जो साइज लेने के लिए यूज होता है। ये कुछ 15 mm की रॉड है, तो मुझे 15 mm के होल वाला गजल पिन मिल गया था। साथ ही इसका जो आउटर स्पेस होता है, ये आउटर, ये आप गिन लीजिए, 19-20 चलता है। तो जो डिस्टेंस था आपका ओरिजिनल, उसके सेम साइज का है मेरा। तो ये मुझे रेडीमेड मिल गई, तो मुझे सिर्फ ये बहुत बड़ी थी, उसे छोटे करना पड़ा। अगर आपको गजल पिन नहीं मिलती है तो आप सॉलिड राउंड बार ले लीजिए, उसके अंदर लेथ पे ले जाके होल करा लीजिए 15 mm का, ऊपर से उसका साइज करा लीजिए। वो पूरा काम आपको लेथ पे कराना पड़ेगा। वैसा ही रॉड का भी है, रॉड भी आपको अगर सेम साइज मिल जाती है, जैसा मुझे 2 mm मोटी मिली थी तो मैंने उसको 15 mm की करा लिया। साइज कैसे निकलेगा वो कल बता दिया था आपको, लंबाई का उसका, तो उस तरह से आप साइज ले लीजिए। स्पेसर कैसे बनेगा डिटेल में आपको बता दिया था, वो भी लेथ वाले के यहाँ ही बनेगा। तो दोस्तों वीडियो प्लीज पूरा देखें, आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि स्विंग आर्म का काम कैसे चालू करें, स्विंग आर्म कैसे बनाएं, स्विंग आर्म में किस तरह से अब फिटिंग्स होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें, जैसे कि आपको पता है ये व्हील का डायमीटर है, ये मेरा 18 इंच का व्हील है, तो 18 इंच तो ये हो गया। इसके बाद टायर्स पे आएगा, तो टायर का आपने साइज देखा होगा, टायर का साइज होता है जैसे कि मेरे केस में 240x45, यानी 240 mm उसकी चौड़ाई है, और ये जो कि 9.5 इंच करीब करीब आती है, और 45 यानी 240 का 45%, तो वो 45% उसकी वॉल हाइट है, मतलब जो हमारा टायर का साइड होती है, तो उसको आप इसमें प्लस कर लीजिए। तो 18 प्लस वो जो टोटल आपको मिला उसका सर्कमफेरेंस यानी डायमीटर हो गया टायर और उसका, या आप डायरेक्ट टायर को बाहर बाहर लगा के गिन सकते हैं, तो आपको उसकी लंबाई पता चल जाएगी। उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि लंबाई कितनी चाहिए आपको आपके साइड पाइप की। जैसे कि मेरे केस में ये जो मुझे देखिए जे, ये डबल पुल्ली वाला सिस्टम बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कुछ चीजें अलग है, सिर्फ पुल्ली का सिस्टम थोड़ा अलग है, बाकी सब सेम होता है। तो मेरे केस में मुझे 16 इंच का पाइप यहां लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सेंटर में आता है, आधा चक्का बाहर रहेगा आधा। अगर ये 32 इंचेस आ रहा था तो मुझे 16 इंच का पाइप बनाना पड़ा, ये कुछ इस तरह से इसके अंदर ये लग गया। तो यहां देखिए टायर आने के बाद भी 1/2 इंच का क्लियरेंस हमें रखिए, क्योंकि हम टायर को आगे पीछे एडजस्ट करते हैं। ये सेंटर में रख के इसका, ये अभी मेरा इससे करीब करीब 2 से 3 इंच आसपास आगे है, क्योंकि इसके ऊपर टायर आएगा, टायर के बाद बाकी चीजें आएगी, इसके गैप आना चाहिए 1/2 इंच का, तो इस तरह से हमारा ये फिट होगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ गया होगा। अब बात की जाती है कि ये इसको बोलते हैं ऑब्लॉन्ग होल, तो ये ऑब्लॉन्ग होल कैसे करेंगे, इसका साइज कैसे आएगा, ये मैंने कैसे बनाया है। तो दोस्तों जैसे कि ये आपका होता है, पहले तो आपको जो आपका ये स्पेसर है, जो ये चेन टेंशनर है, इसके हिसाब से पाइप ले लेना है जो उसमें फिट हो जाए।
जैसे कि अपाचे का जो था उसके साइज का पाइप नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये चेंज करके सीबीआर के ले लिया है और इसमें सीबीआर के लगने वाले, ये पाइप बड़ा है। तो इसके हिसाब से मुझे सेंटर में बिल्कुल देखिए ये इस तरह के ऑबलोंग होल्स बनाना होगा। ये गलत हो चुकी है, इनमें कुछ खराबी हो चुकी है, ड्रिल करने में गलत हो गया था। तो ये जो होल है ये कैसे बनेंगे, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, आपको मार्किंग करना होगा। मार्किंग की जो लंबाई है वो कुछ इसके हिसाब से होगी, जो भी इसका साइज होगा। तो जैसे कि इनकी मैं आपको थोड़ा पास ला के दिखाता हूँ, इस पर इंफोसिस करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ये पाइप है आप देख सक रहे होंगे, मुझे ये पाइप का एक साइड का हिस्सा है, दो ऐसे लगते हैं। तो अब इसमें ये ऑबलोंग होल जो है जहां से रॉड जाती है, तो वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जो आपका चेन टेंशनर है, देखिए चेन टेंशनर है, इसके हिसाब से ये देखिए, ये यहां पर अगर मैं रखता हूं तो इसके हिसाब से आपको देखना है कि जो भी स्पेस आएगा है ना, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन पूरे होंगे आपके इसमें। मेरे केस में जो हो रहा है, तो मुझे यहां से पहले इसके जो पीछे का एंड है बैक साइड से 1.75 mm जगह छोड़ देना है, जो कि आपने देखा होगा स्विंग आर्म में छुट्टी होती है। उसके बाद 2 इंच के अंदर अंदर मेरा ये पूरा होल आएगा। तो अब होल आएगा तो ये पहले मैंने ये दोनों मार्किंग कर ली, 1.75 mm की ये लाइन है और जो यहाँ से 2 इंच की, सॉरी 1.75 इंच की ये लाइन है और 2 इंच की ये लाइन है यहाँ से। अब इसके बीच में होल आएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो यहाँ ड्रिल कराना है, सेंटर लाइन निकाल लेंगे, फिर इसकी इसके पूरी सेंटर लाइन निकाल लेंगे, इसको गिन लेंगे। जैसा मेरे केस में 60 mm है, 62 mm है, 62, तो ये 61 mm पे बीच की लाइन मार दी है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमको जो होल करना है वो हमारे रॉड के साइज का होगा। तो रॉड मेरी 15 mm की है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा होल रखना है, तो होल मेरा 16 mm का होगा। तो इस लाइन से मैं 8 mm पे एक पॉइंट बनाऊंगा और इस लाइन से एक 8 mm पे पॉइंट बनाऊंगा, जिसके बाद मैं इस पॉइंट से जो मैंने बनाया है यहाँ पर 16 mm का मैं ड्रिल चलाऊंगा, जिससे मेरा ये कॉर्नर राउंड हो जाएगा। तो दोस्तों पहले मैं ड्रिल करके होल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का समझाऊंगा कि किस तरह से ये कटिंग होगा। तो आगे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा दोस्तों तो तुरंत कर लीजिए, बाकी जानकारी आगे देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पे होल करा लिया है, ये देखिए दोनों होल इन लाइंस को टच कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, 16 mm के होल है। आपकी बाइक में जो आपकी शाफ्ट होगी उसके हिसाब से होगा, मेरी 15 कुछ mm की शाफ्ट है, तो मैंने 16 mm के होल्स रखे हैं। अब मुझे क्या करना होगा, इनको यहाँ से ये कट करना होगा। तो कट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम एक गुनिया ले लेंगे, स्ट्रेट रूलर ये इस तरह का ये हम लेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये एज से एज मैच करेंगे इधर बिल्कुल स्ट्रेट में। इसकी दोनों एजेस से ठीक है दोस्तों, और ये इसके बाद हम यहाँ लाइन मार्क कर देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आप ये लाइन मार्किंग करने के लिए अगर जो वो लेड वाली पेंसिल आती है बटन के जैसी, पेन के जैसी, वो 0.5 mm कुछ की होती है, अगर वो यूज़ करेंगे तो आपका जो मार्किंग है वो और ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, बहुत एक्यूरेट रहेगा। तो कोशिश करें आप वो यूज़ करें, फिलहाल मेरे पास वो नहीं है। ये इस तरह से मार्क करेंगे, ये एक हो गया और ये उल्टा कर ले, इसमें दिखने में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको उल्टा करके ये दोस्तों मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो ये मार्किंग की है मेरे को, इसको यहां से ग्राइंडर से कट कर देना है। अब इसको कट करते समय दोस्तों हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमको इसे कट करते समय छोटी, इस तरह से छोटी ब्लेड यूज करना है, क्योंकि बड़े से कट करते समय चांसेस ये है कि ज्यादा कट जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए छोटी से छोटी जो आपके पास वर्किंग ब्लेड हो उससे इसे
कट कीजिएगा। तो अब मैं ये कट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कट करने के बाद ये दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। तो दोस्तों जैसा कि आप अब देख सक रहे हैं, ये मैंने छोटी सी ब्लेड लगा लिया है। अब इस ब्लेड से मैं ये जो मार्किंग किया था, मैं इसकी कटिंग करूंगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके लाइन के थोड़ा अंदर से कट करें, क्योंकि बाद में हम उसको फाइल से या कैसे घस सकते हैं ताकि ज्यादा ना कटे। तो इसको दोस्तों जैसे अभी मैंने कट के लिया, आपको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लेड छोटी होती है तो एंगल टेढ़ा आता है, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा अंदर से कट करना। अब इसको मैं घस के सीधा मिला दूंगा ग्राइंड करके, तो ये इशू कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये परफेक्ट हो जाएगा। अगर हम उसको बड़ी ब्लेड से काटने जाते तो शायद ये ज्यादा कट जाता। कम कटा हम ठीक कर सकते हैं, ज्यादा कट गया ठीक नहीं हो सकता, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं अब ये ठीक कर दूंगा, इसको बड़ी ब्लेड लगा के मैं इसको कट कर दूंगा या ग्राइंड कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा ठीक कर लिया, यहाँ मिल गया है, बीच में रह गया है, मैं पूरा मिला दूंगा। तो इसी तरह से आपको भी ये पूरे चारों होल कट कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप चारों होल कट कर लीजिए, आपका परफेक्ट ये हो जाएगा। तो इसके बाद अब ये हमारा जो होल है रॉड के अंदर जा सकता है। तो कुछ इस तरह से हम इसका जो स्विंग आर्म का जो रॉड इंसर्ट करने की जगह होती है, कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि अब आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने जो होल काटा था, तो जो टेन टेंशनर है वो बिल्कुल इसमें बीच में आ रहा है। इसमें अगर हम रॉड डाल सकते हैं, अभी पीछे साइड का मैंने होल किया नहीं है, पीछे साइड वैसा ही है, इस समय बाद में करूँगा। लेकिन ये देखिए हमारी रॉड इसमें जा रही है। तो कुछ इस तरह से ही बाकी चार होल होंगे, उनको आप ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल परफेक्टली मिला लेंगे, काटे छोटी ब्लेड से और थोड़ा थोड़ा, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो ठीक हो सके। ज्यादा काटेंगे, बड़ी ब्लेड से काटेंगे ज्यादा कट जाएगा, खराब हो जाएगा दोस्तों। अब इसके आगे अब जब जो करेंगे, ये हमने दोनों साइड के बना लेंगे, तो इसके बाद अब हम आगे का कनेक्टिंग वर्क करेंगे, जिसमें हम आगे देखेंगे कि जहां से स्विंग आर्म लगने वाली शाफ्ट जाती है, जिससे स्विंग आर्म बाइक से अटैच होगा, तो वहां पाइप कैसे बनेगा, उसमें बेयरिंग कैसे लगेगी, फिर जो जैक शाफ्ट मैंने बताया था आपको वो कैसे बनेगा। तो आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ है दोस्तों, टुकड़ों में बताने का कारण ये है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, स्विंग आर्म्स पे बहुत डिमांड आती है, कहीं अवेलेबल नहीं है। तो इन वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और वीडियो पूरा पूरा देखें, आप थोड़ा थोड़ा वीडियो देख रहे हैं जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो पूरा देखें और अगले पार्ट में इससे भी ज़्यादा जानकारी आएगी और ज़्यादा डिटेल जानकारी आएगी। हम पूरा स्विंग आर्म अटैच कर लेंगे, अगले वीडियो में उसको वेल्ड करेंगे पूरा कटिंग करने के बाद। इतना तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी तो पार्ट्स ही कटेंगे, तो उतना कटिंग का इतना ज़रूरी नहीं है, बचा हुआ हिस्सा वो आप थोड़ा लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।